अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली मेकअप रूटीन शेयर करूँगी। इसको आप सिंपल लुक भी कह सकते हैं, सिंपल मेकअप रूटीन भी कह सकते हैं। यानी कि कहीं मैंने जाना हो तो मैं कैसे मेकअप करती हूँ, सिंपल सा मेकअप करती हूँ और हल्का सा नेचुरल सा मेकअप करती हूँ। थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो मैंने गलतियाँ की हैं इसमें आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। तो चले आए फिर देखते हैं कि मैंने कौन सी गलतियां की और मेकअप मैंने कैसा किया। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है, क्योंकि मैंने फेस वॉश किया है तो मेरा ना फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है। और जब भी आप लोगों ने मेकअप करना है तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा ली है और यही हाथ मैंने ऐसे मल दिए हैं, क्योंकि हमने हाथों को और नेक को जो है ना भूलना नहीं है। उसके बाद मैं फिर लगाऊंगी कंसीलर। ये कौन सा मेरे पास, ये जे डॉट का कंसीलर है मेरे पास। ये मैं लगाऊंगी इधर, कितने हल्के बने हुए हैं मेरे। और ये इधर लाफ लाइन पे लगाऊंगी, और ये मुझे एक पिंपल निकला हुआ है इधर लगाऊंगी। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है। एक माशाल्लाह इधर भी निकल आया है ये, चलो ये भी कवर हो गया। इधर भी लगा लूँगी थोड़ा सा, इधर भी लगा लूँगी और नोज़ पे भी लगा लूँगी। ये लगाने के बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है और इसे इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह। मैं मिक्स करके आई, कंसीलर मैंने लगा लिया है और देखें कितना ज़बरदस्त सेट हो गया। अब फाउंडेशन लगा लेनी है। फाउंडेशन में ये फिट मी की लगाऊंगी, शेड 105 है ये, मेबिलिन की है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर लगाया है और मैं ये सारी तरफ लगा लूँगी। और जब भी कहीं जाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कोई नहीं करती। मैं ज़्यादातर हाथों से ही सब कुछ मिक्स कर लेती हूँ, तो इधर भी मैं हाथों का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे आदत है हाथों की। पहले मैं सारी तरफ फैला लूँगी ना, फिर उसके बाद हाथों से सारी तरफ मिक्स कर दूँगी। साथ साथ ना आँखों को भूलना है और ना गर्दन को भूलना है। और फॉरहेड पर भी अच्छी तरह लगा लेना है ताकि एक बेस हमारी अच्छी सी बन जाए। जब बेस अच्छी सी बन जाएगी तो फिर ऊपर चाहे लाइट सा मेकअप होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा। और मुझे जो है ना डार्क मेकअप सूट नहीं करता, मैं हमेशा लाइट मेकअप ही यूज़ करती हूँ। चलिए मैं अब ये सब कुछ मिक्स करके आई। इधर टाइम लगेगा ना, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं फिर मिक्स कर लेती हूँ। ये मैं मिक्स करके आ गई हूँ। या अगर लूज़ पाउडर है आपके पास तो वो लगा लें, मेरे पास लूज़ पाउडर भी है, मैं लूज़ पाउडर लगा लेती हूँ, वो ज़रा जल्दी जल्दी लग जाएगा। ये कौन सा है, ये क्रिश्चियन का है, क्या कहते हैं इसको, क्रिश्चियन कह रही हूँ, क्रिश्चियन का है, क्रिश्चियन का। ये मेरी पहली वीडियो है तो आप लोगों ने ना मेरा मजाक नहीं उड़ाना। पता क्यों मैं ये बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि हमारे यहाँ पता क्या होता है, माएँ जो है ना वो काम करते करते इतनी बिजी हो जाती हैं कि वो अपना ध्यान ही कोई नहीं रखती। तो ये उन माओं के लिए है कि थोड़ा सा टाइम ना अपने लिए भी निकालें। ये नहीं है कि बच्चों में गुम हो जाने, आपने थोड़ा सा अपनी केयर भी करें। और इस तरह होता है कि अगर हम लोग फ्रेश नहीं ना होते तो अगर कभी कभार लिपस्टिक भी लगा लेना, बच्चे कहते हैं मामा कहीं जा रही हैं। तो इसलिए जब आप रोज़ अपने आप को फ्रेश करेंगी, बेशक ना भी रोज़ मेकअप करें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, थोड़ी सी क्रीम लगा लें, ये बीबी क्रीम है, तैयार होके बंदा इतना प्यारा लगता है उसी के साथ ही। मैं अगर रोज़ लगाती हूँ तो रोज़ मैं बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। ये मैंने लगा ली है और इतना काम मुक गया है।
ये मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि इसने मुंह पे कुछ लगाया हुआ है। बिल्कुल नेचुरल सा मेकअप करूंगी मैं, और मैं करती भी नेचुरल सा मेकअप ही हूँ। ये मैं आईब्रोज पे हल्का सा ना लगाऊंगी ब्राउन शेड, जे डार्ट का है ना ही नहीं प्याम दे, और ये शेड जी वाला है, तो मैं ये ना हल्का सा लूंगी ऐसे, और ये आईब्रोज फिल कर दूंगी हल्के हल्के, क्योंकि मेरे ना बहुत ही लाइट से हैं, तो इनको थोड़ा हल्का सा टच देना है बस, कि फील ना हो कि लगाया हुआ है, लेकिन मेकअप पूरा करना है। और ये इधर ज़्यादा लग गया है, इसको मैं बैलेंस करती हूँ। अपने आप को फ्रेश फील करता है तो फ्रेश फ्रेश होकर फिर काम जो है घर के वो तो करने ही करने हैं, तो वो फिर हम क्यों ना मेकअप लगा के कर लें। और यही शेड मैं हल्का सा लूंगी अपनी आईज पे लगा लूंगी हल्का सा, क्योंकि ये शेड ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हल्का सा बस ना अपनी आईज के ऊपर लगा लेना, ये देखें, और हल्का सा ही ले के ना, फील नहीं होने देना कि हमने मेकअप किया हुआ है, लेकिन लाइट सा मेकअप हमने करना है। ये अब थोड़ा सा ये हाइलाइटर है मेरे पास, ये चार शेड है इसमें, सिल्वर है, गोल्डन है, डार्क गोल्डन है, और उससे भी डार्क गोल्डन है। ये लग के पता को नहीं चलते कि ये लगाए हुए हैं। हल्का सा इसको हल्का लानी हूँ कि मैं, हेयर है हल्का कर लेते हैं, कोई नहीं अड्डा बड़ा मसला, थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, ये लग गया, देखें पता चल रहा है कोई मैंने कुछ लगाया हुआ है, बस सही हो गया। अब ब्लश ऑन में लगाऊंगी, ओ ब्लश ऑन पहले लान लगी हूँ, पहले मस्कारा लगाऊंगी, और मस्कारे के मैं तकरीबन आपने गिनते जाना मैंने कितने कोट लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और ये मस्कारा भी मैंने मिस रोज़ का लिया है इस दफ़ा, क्योंकि नॉर्मल जो मैं लोकल लेती थी ना वो एकदम से सूख जाते थे, ये बड़ा ज़बरदस्त मस्कारा रहा है। मैं ज़रा आप दूसरी आँख पे लगाऊँ, मस्कारा मैंने लगा लिया है, और मुझे याद ही कोई नहीं रहा मैंने लाइनर लगाया कौन नहीं है, कोई गाल नहीं, कोई असील की दे फकीर थोड़ा वहाँ। अब लगाते हैं थोड़ा सा हल्का सा लाइनर, और मैंने अक्सर लोगों को देखा है कहते हैं लाइनर लगाना नहीं आता, तुसी के फन पाना है, अल्लाह ताला ने एडियां सोनिया अखां बनाई हुई हैं, बस उसके साथ साथ लगाई जाओ तो लाइनर खुद बहुत लगता जाएगा। ये पतला सा लाइनर लगा लेना आंखों के साथ साथ चलते जाने पलकों के साथ साथ, जी देखें सही लगा है। चले मैं दूसरी आंख पे लगाती हूँ, ये मैंने दूसरी आंख पे लगा ली है, थोड़ी सी शेप मैं अब इसकी भी दूंगी, ये देखें ये मैंने दोनों आंखों पे अब लगा ली है, सही हो गया है। अब थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लेते हैं, ये नज़र आ रहे हैं ये सारे शेड हैं, ये वाला मैं ब्लश ऑन के लिए यूज़ करती हूँ, डार्क शेड है, ये थोड़ा सा लाइट है, इन दोनों को मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, ये ब्राउज़र के तौर पे मैं यूज़ करती हूँ, और ये हाइलाइटर के तौर पे यूज़ करती हूँ। तो मैं ये डार्क और लाइट वाला मिक्स करके ना तो इस तरह लगाऊंगी कि ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा, हल्का सा हाइलाइटर, हाइलाइटर कह रही हूँ, ब्लश ऑन लगा लेना। कैमरे में तो ये बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे, लेकिन ये मैं सही वाला लगा रही हूँ,
जी अब आपको सही लगा होगा ये, दूसरी तरफ से मैं थोड़ा सा लगा लूंगी यही। इतना ज्यादा नहीं रखना, बस नेचुरल सा हमने रखना है। यही लाशान में इधर चिक्स पे लगा लूंगी और ये नोज पे भी लगा लूंगी और यही मैं माथे पर लगा लूंगी ये। बालों का शरनशर हो गया ये मेरा लग गया, ये मैं दूसरी तरफ भी लगा लूंगी। और हल्का सा मैं ब्राउन शेड लेके ये मैं दूसरा ब्रश ले रही हूँ ये छोटे वाला, और ये कंटूरिंग कर लूंगी नोज की हल्की सी, हल्का हल्का मैं लगा लूंगी। और यही ब्रश मैं इधर मारूंगी ताकि हमारे चेहरे की थोड़ी सी शेप बन जाए। और हल्का सा चीक्स पे भी लगा लूंगी इधर, और ये वाला जो शेड है ना ये मैं हाइलाइटर के तौर पे यूज करूंगी, हल्का हल्का मारूंगी यही सारी तरफ। ब्लश ऑन हो गया, अब यही जो हाइलाइटर मैंने आईज के ऊपर लगाया था थोड़ा सा हल्का सा, ये मैं अब चिक्स पे लगाऊंगी। चिक्स पे मैं जो है ना ये गोल्डन वाला लगा रही हूँ, हल्का सा नोज पे भी लगाऊंगी। सारे पास चमकाना भी तो है ना। अब मैं लिपस्टिक लगा लूंगी, लिपस्टिक का ये मेरे पास शेड है ये मैट लिपस्टिक है, मैं ये लगाऊंगी, मुझे मैट अच्छी लगती है, मुझे शाइनी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। ये मेरा मेकअप हो गया डन, कहीं भी आप जाने के लिए हम रेडी हैं। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं, 1 2 3 गो। चलें ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।